अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज छुट्टी का दिन है और थोड़ा देर उठे हैं हम, तो अभी बनाएंगे हम चाय। और सूरज भी बहुत अच्छा निकला है, धूप बहुत कड़क कड़क मज़े की। तो आज थोड़ा लेट हो गया उठ में, चलते हैं और बनाते हैं चाय। आजकल सर्दियों में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बंदा बनाए ब्लॉग में। आप लोग ही कमेंट करके बता दें कि क्या बनाएं हम। डेली रूटीन में ये चीज़ें दिखाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा होता। तब भी हलवा इतना महंगा मिलता है बाज़ार से क्योंकि इसमें मेहनत इतनी है। कद्दूकश करने में हमारा खुद का ही कद्दूकश हो गया है। आलू के पराठे बन रहे हैं आज मैं बच्चों को नहावा रही हूँ, तो चूल्हे बिल्कुल फ्री नहीं है। मैंने ये सामान हमने जो है हलवे का तैयार करके रखा है, जैसे चूल्हे फ्री होंगे फिर हम हलवा बनाने के लिए रख देंगे। रायला ने आलू के पराठे के साथ रायता बना। यहाँ पे हमारे पराठे हो चुके हैं तैयार। सफाई हमारी हो चुकी है, थोड़ी सी कोने में ये धूप भी बस। ये देखिए धूप इतनी कोई अच्छी लगती है, मैं तो कहती हूँ बस सर्दियों में ना धूप और हम बस। उतार के रखी मैंने। नसरीन जल्दी जल्दी काम करो। हम बाहर जा रहे हैं। तो बस फिर काम शाम करके अभी हम जो है रेडी हो चुके हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं हम जो है मार्केट फरहाद की, जो हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी उसके लिए। तो आज सैटरडे है, मैंने कहा संडे के दिन फिर नहीं टाइम मिल रहा होता और थक भी जाता है बंदा। देखते हैं कि आज फरहाद का ड्रेस नहीं भी मिलता तो बंदा दोबारा चक्कर लगाएगा। तो वैसे सर्दियों में टाइम बहुत कम होता है, तो मैंने कहा चलो आज निकलते हैं। पे मैंने डाइनर पे ड्रेस किया है चेक, और यहाँ पे और भी दो तीन ब्रांड्स हैं वहाँ पे चेक किया, लेकिन फरहाद का जो है ना साइज़ नहीं मिल रहा। और एक ड्रेस में सही लगा तो है, लेकिन मैंने कहा वो जाके आगे विजिट करते हैं क्या पता अच्छा मिल जाए। तो अभी यहाँ पे ब्रांड्स तो हैं लेकिन कलर नहीं मिल रहा। फिर हम आ गए कट प्राइस पे, तो यहाँ पे भी हमें जो है ना ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं मिला। चलते जाओ चलते जाओ। और कितने लोग आए थे स्विफ्ट गाड़ी में। केडिया में जितने ब्रांड्स थे सब घूमने के बाद आखिर फिर मैं आ गई चेस वैल्यू। मैंने कहा चलो यहीं से ही देख लेते हैं, लेकिन चेस वैल्यू में भी जो है ना मुझे ब्लैक कलर का नहीं मिला। बाकी सब मिल रहे थे, हर जगह से मिल रहे थे, लेकिन ब्लैक ही नहीं मिल रहा था। बस पर इतनी खुआरी के बाद जाके मुझे वापस वही डाइनर जो हमारे करीब है वहीं पे, डाइनर पे तो नहीं मिला, किड्स स्टूडियो से मुझे जो है ना फरहाद का ब्लैक भी मिल गया और बिल्कुल लेंथ भी पूरा था। पैंट का फिर भी थोड़ा मसला हुआ, लेकिन हमारे घर के बिल्कुल करीब है तो हम जो है ना आते जाते उठा लेंगे। और अभी ये वाला जो
ये वाला ब्लैक जो है ना, इनके ग्रुप में इस तरह रेड टाइल लगाना है। तो अभी बस हमने किया है और अभी निकलेंगे अंदर की। हमें अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता कि आगे जाके हमें रेस नहीं मिलेगा तो इतनी खुआरी ना करते, हम आते ही यहाँ से जो है ना हम अपना उठा लेते ड्रेस। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि हमारा काम हो गया। A few moments later. तो बस फिर बाहर से आते ही मैंने चाय रख दी और साथ में रायला ने गाजर के हलवे की तैयारी कर दी। यहाँ पे रायला खोया बना रही, कहा खोया खुद बना लेती हूँ, हमारे पास नहीं था, वो बाहर से हमने नहीं मंगाया था और सर्दी में कोई जा ही नहीं रहा बाहर, और पास मेरी चाय भी बन रही है और जो है ना यहाँ पे रायला ये बनाएगी। और बस खाना जो है ना हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था क्योंकि देर हो गई थी, कुछ बनाया था घर पे भी और कुछ बाहर से। ये देखिए अभी हमने हलवा चढ़ा दिया है। तो फाइनली इतनी मुश्किलों के साथ खुआर हो के जाके हमें फरहाद का ये वाला ड्रेस मिला है। असल में मसला ये था, ड्रेस तो हमें मिल रहा था लेकिन उसके ब्लैक कलर का उसका ड्रेस नहीं मिल रहा था, और इनके स्कूल का ग्रुप है जो उनमें तो ब्लैक कलर के साथ वाइट शर्ट और रेड टाई के साथ है, तो वो नहीं मिल रहा था हमें। ड्रेस तो बहुत मिल रहे थे, फिर शुक्र है कि हमें किड्स स्टूडियो से ये उसका साइज़ भी सही मिल गया, तो जो है ना उसका ड्रेस मिल गया। पैंट फिर भी हमने जो है ना कंसेशन के लिए दी है, तो ये हमें वाइट कलर की शर्ट मिली है, तो इसके साथ ये वाली टाई है। वैसे तो फरहाद के पेंट कोट बहुत सारे हैं लेकिन 700 की टाई थी, जल्दी से हाइट माशाल्लाह से ग्रो कर रही है कि उसको साइज़ नहीं आ रहे होते। और ये कहीं पे भी इवेंट वगैरह में हम इतना जाते नहीं है, या अगर जाते भी हैं तो मेरा बेटा जो है ना ये बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं चल रहा होता, तो एक एक बार इसके पहने हुए होते हैं, उसके बाद मेरे किसी काम के नहीं होते। लेकिन दूसरे बच्चे भी मेरे छोटे हैं तो उनको भी नहीं आ रहे होते, तो इतने महंगे भी ड्रेस होते हैं। और ये वाला इसका फाइनली ड्रेस मिल चुका है हमें, तो बहुत ही खुआरी हुई है हमारी, मुश्किल से जाके इसका साइज़ मिला है। क्योंकि अब इनका स्कूल होगा तो ये है कि मैं इनको लेकर जा भी नहीं सकती सैटरडे तक, सैटरडे को इवेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और यहीं पे लेती हूँ इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।